बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। चलिए जी, आज हम अपने सेवन्थ लेक्चर के साथ हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 2। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था डेसिमल फ्रैक्शन एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि आपने उनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोनेंट्स के पे है, और एक्सपोनेंट्स के यहाँ हम 2 लॉस पढ़ेंगे और उन्हीं 2 लॉस की एप्लीकेशन हम 2.1 में देखेंगे। सबसे पहले तो कि एक्सपोनेंट बनती कैसे है, क्या होती है एक्सपोनेंट, क्या होती है बेस, तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। अगर कोई भी नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए क्यूब। ठीक, यानी ए की एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। ए एक्सपोनेंट क्या आ रही है, 3 आ रही है। इट इज़ नॉट कॉल्ड पावर, ठीक है ना, इसको पावर नहीं कहते हैं। पावर कब बनती है, जब आप ए और 3 इन बोथ को जब रीड करोगे तो ये इसकी पावर बनाती है। अदरवाइज सिर्फ 3 को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए क्यूब। ए 4 टाइम होता यहाँ पे तो हम क्या लिखते हैं, ए रेज टू 4। 5 टाइम होता तो हम क्या लिखते हैं, ए रेज टू 5। इसी तरीके से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो बेस बनाता है, और वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो क्या बनाता है, एक्सपोनेंट। ठीक है ना, जो नंबर जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या बनाएगी, बेस। और वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये क्या बनाएगी, इसके एक्सपोनेंट बनाएगी। अब ये लिखा हुआ है 5 रेज टू 3, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, 5 रेज टू 3। तो मींस क्या है कि 5 कितने टाइम्स ओपन है, 5 जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 कितने टाइम्स, अगर इसको हम इस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसे लिखी, 5 ये बेस, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, जो कि आपके एमसीक्यूज़ का एक बहुत अहम पार्ट है और अक्सर क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास एज ए एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, तो सुनिएगा स्टूडेंट्स बहुत गौर से, कि वो ये है कि अगर आपके पास बेस नेगेटिव हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, अगर आपके पास बेस नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर -4 है, ठीक है ना, ये हर चीज़ की, यानी ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं बता रही हूँ, किसी भी नंबर के लिए है, कि अगर आपके पास बेस क्या है, नेगेटिव है, और ऑड नंबर की पावर लगी है, ठीक है ना, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना, ऑड का कोई सा भी नंबर प्रेजेंट है एज अ एक्सपोनेंट, तो आपके पास इसका आंसर, आपसे ये नहीं वो पूछेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, वो इससे भी पूछेंगे बताएं जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास नेगेटिव बेस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, ऑड नंबर की, तो आंसर हमेशा नेगेटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ ओपन करके, हमने लिखा हुआ है -4 3 टाइम्स है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। 4 4 जा 16 16 4 जा 64, माइनस प्लस प्लस माइनस। देखिए ना, अगर अच्छा हमेशा याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन जब हम साइन का करवाते हैं तो वो आंसर लिखते हैं जो हमारे, जो हम पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ने से जो हमारे सबसे आखिर में आंसर आता है। जैसे मैंने क्या कहा, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -64। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी बात आपने बड़ी से समझनी है वो क्या, कि अगर बेस फिर आपके पास नेगेटिव है और इवन नंबर की पावर प्रेजेंट है, कौन सी है, इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, कोई सा भी इवन नंबर की पावर प्रेजेंट है, लेकिन बेस नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। कैसे, इसको मैं प्रूफ करती हूँ। -4 को 4 टाइम्स ओपन किया, -4 -4 -4 -4, ठीक है, -, ++, -, -, -, +, ठीक है, हमने कहा -, ++, -, -, और फिर -, -, +। तो जो हमारे पढ़ने से आखिर में
जो आंसर आया वो कितना आया आपके पास, प्लस आया, तो आपको मालूम है कि प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्लस को शो करने की अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ तो हमने देखा है कि अगर ऑड नंबर की पावर है और बेस नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव रियल नंबर आएगा। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर बेस नेगेटिव है आपके पास लेकिन इवन नंबर की पावर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास बेस पॉजिटिव हो तो चाहे उसमें इवन नंबर की पावर हो चाहे ऑड नंबर की पावर हो, ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आपके पास बेस क्या है, पॉजिटिव है, तो चाहे आपके पास क्या है, ऑड नंबर की हो एक्सपोनेंट या इवन नंबर की एक्सपोनेंट हो, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रियल नंबर ही आएगा। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट्स चाहे ऑड हो या इवन हो लेकिन बेस आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारा आंसर पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा, किस तरीके से आंसर हमारा जो है वो नेगेटिव रियल नंबर में आएगा। तो अब आइए नेक्स्ट हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर आते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे टू आज हम डिस्कस करेंगे, और क्या है एक लॉ जो है जो, बल्कि दोनों लॉज आप प्रीवियस क्लास के अंदर रीड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आपके पास बेसिस सेम है, कोई भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको बेसिस सेम नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आप क्या करोगे, उसको कॉमन बेस लिखने के बाद उनकी जितनी भी एक्सपोनेंट्स होती हैं, ठीक है ना, उनको क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। ठीक है, बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ए क्यूब है, ए फोर है, ए स्क्वायर है, तो जब हमारे पास बेसिस क्या हो गई यहाँ पर सेम, यानी हमने कॉमन बेस क्या ले लिया, ए, और सारी जो इसकी एक्सपोनेंट थी वो क्या हो गई, ऐड हो गई, 3 + 4 + 2, तो क्या हो गया आपके पास, ए रेस टू 9 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर कि अगर बेसिस सेम है तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी आपके पास, ऐड हो जाएगी, 3 + 4 आपके पास, तो कितना हो गया यहाँ पर आपके पास, 7 हो गया। ठीक है, अब लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे कि क्या है, अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास ब्रैकेट में कितने भी मेंबर्स मौजूद हैं लेकिन होल पे कोई एक्सपोनेंट प्रेजेंट है, तो ये एक्सपोनेंट जो है वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स पे अप्लाई होगी, यानी ये एम ए के लिए भी है और ये एम बी के लिए भी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ। इसी तरीके से 2 × 5 और होल एक्सपोनेंट n है, तो ये n 2 के लिए भी है और ये n 5 के लिए भी है। तो यहाँ पे तो टू लॉज हमने देखे, वो क्या देखे कि अगर आपके पास बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो गई, सारी ऐड हो गई। ठीक है ना, एक सिंगल इसमें हमने लिख लिया। इसी तरीके से अगर आपके पास होल पे कोई एक्सपोनेंट प्रेजेंट है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम जितने भी नंबर्स होते हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होती है। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमने क्या करना है, यही क्वेश्चंस, यही तमाम चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं उसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये 7 बेस है और यहाँ पे आपके पास 15 क्या है, एक्सपोनेंट। इसी तरीके से यहाँ पर -189 बेस और 10 क्या है, एक्सपोनेंट। 108 बेस और 64 क्या है, एक्सपोनेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं विद एक्सपोनेंट्स, और यानी बेसिस हैं और उनके साथ उनके एक्सपोनेंट प्रेजेंट है, तो आपने बताना है कि इनका आंसर पॉजिटिव क्या आंसर आएगा। इन्होंने ये नहीं पूछा, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं, 8 raised to 4 है, मैंने आपसे कहा था कि बेस अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो चाहे उस पर इवन या ऑड कोई भी पावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से -113 107 है, ऑड नंबर की पावर है और बेस नेगेटिव है। ठीक है ना, ऑड नंबर की पावर और बेस क्या है आपके पास, नेगेटिव है, तो ये आंसर हमेशा नेगेटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, -912 है आपके पास, बेस नेगेटिव है और आपके पास इवन नंबर की पावर जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपने सिर्फ नीचे लिखना है पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर।
क्वेश्चन नंबर थ्री में आए। क्वेश्चन नंबर थ्री में एक स्टेटमेंट दी गई है 38, 83 और 83 पे होल एक्सपोनेंट 9 लगी है। तो ये कहते हैं कि कौन सा वे ठीक है, कि पहले हम 38 को 83 से मल्टीप्लाई करवा के 9 की पावर पढ़ेंगे, या पहले 83 की पावर 9 तक रीड करेंगे और फिर 38 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड वेव जो है वो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 9th पावर फाइंड आउट करेंगे 83 की और देन हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 38 से। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी जो आपने एक्सपोनेंट जो लॉज के जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रीड किए हैं उसकी एप्लीकेशन देनी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने सिर्फ एक शो किया है ताकि आपको पता चल सके कि आपने काम कैसे करना है। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बता दीजिए बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कैसी है। तो ये आपको शो हो रहा है, आप अपने तरीके से किसी तरीके से कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आपने सिर्फ एरो बना के, क्योंकि आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, सिर्फ पहचान है कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, इसमें बेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। अब यहाँ पर ये मैं प्रीवियस इसमें भी हम रीड कर चुके हैं, 8 एक्सपोनेंट 4 है तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव रियल नंबर है एंड द थर्ड इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर। हमने कैसे पहचाना इनकी, ऑड और इवन की एक्सपोनेंट देखने के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है वही जो कि अभी हमने प्रीवियस जो है इसमें देखा था कि कौन सा वे ठीक है, कि पहले हम 83 को 9 पावर तक पढ़ेंगे और फिर 38 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ, जो लॉज हमने रीड किए हैं वो लॉज जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, -91 और होल एक्सपोनेंट क्या है, 4। ठीक है, इसका मतलब है 91 को आपने 4 टाइम्स क्या करना है, ओपन करना है। ये हमने यहाँ पर इसको ओपन किया, ठीक है ना, -9 को हमने क्या किया, 4 टाइम्स ओपन किया। तो अगर मैं यहाँ पे वाला लॉ भी लगा दूँ, कौन सा लॉ, कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो सब जगह -9, सब जगह 91 है तो 91 ले लिया, और अगर कोई पावर नज़र नहीं आती है तो सब जगह क्या है, 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इस पर भी 1 है, तो सारी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1+1+1+1, तो 91 क्या हो गया आपके पास, 4 एक्सपोनेंट पे आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें साइन माइनस का गायब हो गया, क्यों, क्योंकि आपने 94 को 4 टाइम्स ओपन कर लिया। ठीक है, आपने ओपन करके इसको इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा, तो देखें -++++-+++। तो इसका माइनस का साइन हो गया। आपने ये नहीं करना है कि 94 को 4 टाइम्स ओपन करके लिखना है, ठीक है, इसकी आपको नीड ही नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ शो करना है कि ये माइनस अगर गायब हुआ है तो ये माइनस क्यों गायब हुआ है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको 4 टाइम्स ओपन किया तो इट्स सेल्फ माइनस जब मल्टीप्लाई होता रहा तो इसने आंसर क्या दिया, पॉजिटिव दिया। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है 5 रेज़ टू 4 और 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी बेसिस सेम है। हमने क्या करेंगे, बेस इसको ओनली 1 टाइम बेस को लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 5 लिखा और जो इनकी एक्सपोनेंट्स थी उनको ऐड करवा दिया, 4+2 तो 4:6 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 रेज़ टू 4 ए क्यूब है और 8 रेज़ टू 8 है। यहाँ पे भी बेस जो है वो सबकी ए है, कॉमन बेस ए ले लिया, सारी एक्सपोनेंट जो हैं वो ऐड करवा ली, तो आंसर कितना आ गया, 8 रेज़ टू 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास ए बी स्क्वायर सी क्यूब बी क्यूब ए 5 सी। अब यहाँ पे 3 टाइप की बेसिस आपको नज़र आ रही हैं, ए बी सी, तो आपने क्या करना है, इनको अरेंज करके लिखना है जो बिल्कुल सेम नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे ए ए कर दिया, बी और बी कर दिया, सी सी कर दिया, तो यहाँ पर जो ए की बेसिस हैं उनको 1 टाइम लिख के उनकी एक्सपोनेंट को ऐड करवा दिया, यहाँ पे बी की जो बेस है उसको 1 टाइम लिख के इनकी हमने जो बेसिस हैं इनको क्या करवा दिया, सॉरी इनकी जो एक्सपोनेंट है इनको ऐड करवा दिया, और यहाँ पे सी को 3 और 2 क्या हो गया, 5, तो आपके पास आ गया A6 B5 और C5। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो आपके पास नंबर्स हैं वो उसमें आपके पास है ए B,
बी सी, यानी जो आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक वैल्यूज़ के में दिए गए हैं रियल नंबर की जगह, वो क्या है ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों क्या हैं डिफरेंट, तो ये मज़ीद आगे इनकी ना एक्सपोनेंट ऐड हो सकती है ना कुछ हो सकता है, आपका आंसर यहाँ पे क्या है ख़त्म है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पे आपके पास मौजूद है 8 है मल्टीप्लाई 3 है और 4 है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जस्ट इसकी एप्लीकेशन देनी है, ठीक है ना। आपने एप्लीकेशन कैसे देनी है, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने किया 8 को भी 4 दे दिया और यहाँ पे आपने 3 को भी 4 दे दिया, ठीक है ना। हमने क्या कहा, जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था उसकी हमने एप्लीकेशन दे दी। नेक्स्ट आ जाइए, क्यूब है और ब्रैकेट में -4 मल्टीप्लाई बाय -5 है, एक बात तो देखिएगा क्योंकि ब्रैकेट में दोनों माइनस के साइन है तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इसको अगर आप 4 को 3 और 5 को 3 और इसके साथ माइनस ना भी लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि माइनस माइनस ये क्या हो गए प्लस हो गए। तो आपने फिर क्या करना है कि आपने ये जो 3 की पावर थी ये इसको भी दे दी और यही 3 की पावर आपने इसको भी दे दी और साइन क्यों गायब हो गए, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए। और वैसे भी जब आप इसको पूरी अगर सिंप्लीफिकेशन करके करोगे तो आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है ए मल्टीप्लाई बाय बी और होल पावर क्या है 13, तो ये भी बड़ा एक सिंपल सा है कि ए के पास भी 13 है और बी के पास भी 13 है, यानी जो लॉ आपने रीड किया था वही लॉ की एप्लीकेशन आपने क्या है यहाँ पर करनी है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में 3 मल्टीप्लाई बाय वाई और होल पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट आपके पास आ गया 3 एक्सपोनेंट 5 और वाई एक्सपोनेंट 5, ठीक है ना, यानी आपने इसको अलग अलग एप्लीकेशन करके कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में 3 5 और एक्स और वाई और होल एक्सपोनेंट क्या लगी है 14, आपने सिर्फ अभी मैंने आपसे क्या कहा आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिर्फ यहाँ तक है कि आपने सिर्फ इसको अप्लाई कर देना है, इसकी एप्लीकेशन देनी है। देखिए आपने 3 को भी 14 दे दिया, 5 को भी 14 इसकी एक्सपोनेंट दे दी, एक्स को भी एक्सपोनेंट जो है 14 दे दी, वाई को भी एक्सपोनेंट 14 दे दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस क्या हो गए आपके पास सॉल्व हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा और अगर नहीं आपको कुछ समझ में आता है आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थ्रू व्हाट्सएप आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में आता है। अदरवाइज़ प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी काम करने के लिए। देखें कॉपी में आपको काम करने के लिए दिया गया है कि आप अपने अपने फेयर कॉपी में करना है, तो पहले आप एक जगह इसको करके देखें, जब आप लगे कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल इसमें कंप्लीट हो गई है, आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी कॉपी के अंदर इसको फेयर वर्क में कीजिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपसे यही कि अगर आपको आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप में, और जो है इस एक्सरसाइज को 2.2 जो है वो प्रैक्टिस रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।